पगला जाओगे, ऐसे फैक्ट्स बताएंगे अभी आपको। भारत में क्या ऐसे भी जगह है जहाँ के लोग शादी पे दहेज के तौर पे जानवर देते हैं? आपको नहीं पता था तो आप सही पते पे आए हो। स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पे। सब्सक्राइब कर दो वरना हम पगला जाएंगे। हमारा 500 सब्सक्राइबर का टारगेट है हमारा, आज जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दें। चलो तो अब वीडियो शुरू कर दें। हमारे भारत में सुंदर जगहों में से एक हमारा अरुणाचल प्रदेश में मिश्मी समाज में ये नियम निभाया जाता है, शादी पे दहेज के तौर पे मिथुन दिया जाता है। आपको ये फैक्ट जानकर अच्छा लगा? तो कोई लोग कह रहे हैं ये वीडियो तुम पहले भी बना चुके हो, क्योंकि आप लोगों ने उस वीडियो पे इतना प्यार दिखाया उससे हम पगला गए, फिर से लेके आए। आपको मेरी बातें सुन के तो हैरानी तो जरूर हुआ होगा, शादी पर दहेज के तौर पर कोई क्यों जानवर लेगा? बस यही सच है, अरुणाचल के लोकल मिश्मी समाज में यही नियम निभाया जाता है। और ये कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं, अरुणाचल प्रदेश पर इसका प्राइस लाखों में है। तो ऐसे ही अतरंगी फैक्ट्स और अरुणाचल के ब्यूटीफुल ब्लॉग देखना चाहते हो मेरे इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो कमेंट करके आप बताना आपके परिवार वाले लोग दहेज के तौर पे क्या देते हैं, पैसा, सोना, बाइक, गाड़ी? तो आप भी मेरे चैनल को पैसा तो दे नहीं सकते, सब्सक्राइब जरूर दे के जाना। मैं रशन रशन ब्लॉग की तरफ से आपकी बहुत खास और खुशी भरी जिंदगी की दुआ करता हूँ। तो मिलते रहेंगे ऐसे अतरंगी फैक्ट्स और ब्यूटीफुल ब्लॉग्स के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।